देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ सिटी 40.1% ऑफ द एडल्ट्स आर इलिटरेट व्हाइल 85.1% ऑफ द चिल्ड्रन आर लिटरेट। इफ द रेशियो ऑफ द एडल्ट्स टू दैट द चिल्ड्रन इज 2:3 देन व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। नंबर वन, इलिटरेट और लिटरेट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो ध्यान रखिएगा कब कहां पे बोला है। जैसे आपको यहां पर बोला गया एक तो 40.1, तो क्यों ना इसे 40% ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा, वैसे भी आंसर काफी दूर दूर है। और यहां पर बोला 85.1%, तो इसका मतलब है कि आप इसे 85 कंसीडर कर लें, क्वेश्चन सिंपल होगा। दूसरी बात, आपको ये बोला है कि 40.1 एडल्ट्स आर इलिटरेट, यानी 40% जो है एडल्ट्स की बात करी जाए तो वो इलिटरेट है, तो इसका मतलब लिटरेट कितने हो गए, 60%। यस और नो, मैं इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। ऐसे ही चिल्ड्रन के बारे में बात की जाए तो चिल्ड्रन के बारे में ये बोला गया है कि 85 लिटरेट है 85%, तो इसका मतलब इलिटरेट जो होंगे वो होंगे 15%। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी टेक्निक समझिए, यानी 100 लोगों में 60 एडल्ट लिटरेट है और 100 में से 85 बच्चे लिटरेट है। अब बोला इफ द रेशियो ऑफ द एडल्ट टू दैट द चिल्ड्रन इज 2:3, यानी एडल्ट और चिल्ड्रन का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो बताना है देन व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर लिटरेट। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूं, बहुत ही सिंपल। आप 2:3 बोला है तो आप चाहो तो ऐसा ले सकते हो 200:300, या आप चाहो तो 400:600 भी ले सकते हो। यानी आप सोच लीजिए कि 400 एडल्ट जो हैं उसमें और 600 चिल्ड्रन है। अब 400 में 60% लिटरेट है, यानी 4×6=24, यानी 240 एडल्ट लिटरेट है। एंड सिमिलरली 600 में से 85% लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने, 15%, तो 6×15 निकालोगे 90, यानी 510 लोग जो है वो चिल्ड्रन जो है वो लिटरेट है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 750, यानी 1000 लोग जब हम लेते हैं, 100 या 1000 का फिगर मानने से कैलकुलेशन फास्ट होती है, तो जब आप 1000 का फिगर लेते हैं तो 750 जो है वो लिटरेट निकलते हैं, यानी 100 में 75, यानी 75% लोग जो है वो लिटरेट होंगे। जब कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, लॉजिकल तरीके से करेंगे, हो जाएगा। आप अगर मेथड पे इन सब पे जाएंगे तो उलझ जाएंगे। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा कि 40% इलिटरेट तो 60% लिटरेट, सिमिलरली बच्चों में 85% लिटरेट है, यानी 15% इलिटरेट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब एडल्ट और चिल्ड्रन का रेशियो 2:3 है, तो आप 20:30 भी मान सकते थे, आप 40:60 भी मान सकते थे। अगर कोई बच्चा बोलता तो मैं ये बोलता आप 40:60 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, टोटल 100 लेना है। अब 40 एडल्ट में 60% तो कितना हो गया, 24। सिमिलरली 60 में 85%, तो मैं कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए 60×15% निकाल दो तो 9, तो ये हो गया 51%। 51 दोनों को ऐड किया तो सीधा सीधा 75, यानी 75%। यानी आप किस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं आप इजीली कर सकते हैं। यानी आपने अगर मान लिया कि उस सिटी में 40 एडल्ट हैं और 60 चिल्ड्रन है, 100 का फिगर लेना वैसा ले लो। अब 40 में 60% पढ़े लिखे हुए हैं, तो 60 निकाला तो 4×6=24, तो 24 है। 60×85% निकाला तो 51 है, और इन दोनों को ऐड किया तो 75। अब अगर आप इसको 40.1 से कर रहे होते तो कंफ्यूज हो जाते, इसलिए बी केयरफुल।